बरसात का मौसम आते ही लोगों के साथ साथ गाड़ियों को भी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस दौरान गाड़ियां जितनी बाहर से गंदी होती हैं उससे कहीं ज़्यादा अंदर से गंदी होती हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान गाड़ी के अंदर फंगस, बदबू जैसी समस्याओं से भी लोगों को सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों के सामने समस्या होती है कि किस तरह से अपने गाड़ियों का रखरखाव करें। तो आइए जानते हैं सिटी सेंटर क्षेत्र में प्रिंस एक्सप्रेस कार वॉश सेंटर चलाने वाले प्रधान मलिक से बरसात के मौसम में गाड़ियों का रखरखाव किस तरह से करें। इस टाइम बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के टाइम पे ये देख सकते हैं आप, इस हिसाब से गाड़ियाँ आती हैं बहुत गंदी। और जिस हिसाब से अभी इस टाइम पे मौसम में नमी और सीलन चल रही है, तो सीलन के हिसाब से गाड़ी के अंदर स्मेल, बदबू इस हिसाब की हो जाती है। और अभी ये गाड़ी जैसे ड्राइक्लिंग हो रही है, वैक्यूम से ना करवा के, जो वैक्यूम क्लिंग मशीन होती है ड्राइक्लिंग के लिए, उसको यूज नहीं करते हैं हम हाथ से करवाते हैं, जिससे इसका रूफ़ बिल्कुल सेफ़ रहता है। क्या रूफ़ में जो ये रहते हैं वो निकलते नहीं हैं, रूए उसके हाथ से ही कराते हैं। देख सकते हैं ये ऑडी है, ये देखिए ये जिस हालत में आई थी और अब इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप सफाई के बाद। हाँ जी, ड्राइक्लिंग हुई है। और ये किस तरह से और क्या क्या करवाते हैं आप गाड़ी में? देखो क्या होता है, गाड़ी को मेरी जो थिंकिंग है कि गंदे को साफ़ करना आसान है, लेकिन साफ़ को साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। और हमारी जितनी भी जो भी कोशिश रहती है मिनिमम की, साफ़ को साफ़ करना है अपन को। ड्राइक्लिंग और टेफ्लॉन, सेरेमिक कोटिंग सब कुछ होता है सर। ड्राइक्लिंग में वो केमिकल वॉश होती है गाड़ी पूरी, उसका रूफ़, कारपेट, सीट सब कुछ हो जाता है, फाइबर सब केमिकल वॉश होता है सर। मैंने देखा है कि हरियाणा पंजाब में किस तरह से गाड़ियाँ रखते हैं, तो उसी तर्ज पर हम काम करते हैं। यहाँ पर रबिंग का मतलब होता है सर, एक रफनेस आ जाती है गाड़ी पे, पीलापन हो जाता है, रफनेस आती है। और जैसे कोई आपने कोई पार्ट्स को पेंट कराया है, तो उसके बाद शाइनिंग के लिए और उसकी क्लीनिंग के लिए बढ़िया जो स्मूथनिंग के लिए रबिंग की जाती है, उसका पीलापन सब कुछ निकल जाता है। ये देखिए गाड़ी, वो गाड़ी खड़ी है, उसको देख सकते हैं किस कंडीशन से आती है, बहुत ही खस्ता हालत में भी गाड़ी आती है। देखो बरसात के सीज़न में मौसम में भी उमस होती है, और मेरा मानना ये है कि जो भी गाड़ी वॉशिंग होती है उससे फॉर्म से ही वॉशिंग कराना चाहिए, क्योंकि जो लोकल में लोग शैम्पू से और उससे कराते हैं तो कांच पे दाग आ जाते हैं, जो दाग जम जाते हैं उससे फिर रबिंग कराते हैं वो नहीं हटते। और जो अपनी बारिश होती है जो पॉल्यूशन से होकर आती है, वो सीधा पानी की जो ड्रॉप्स होती है वो गाड़ी पर गिरती है, तो गाड़ी पर वो दाग जम जाते हैं, उससे फिर रबिंग करानी पड़ती है और गाड़ी पर येल्लो पनाता है, उससे रफनेस, मतलब पेंट पे एक रफनेस आती है। उससे सबसे बेटर ये कि जब भी गाड़ी धुलवाएं अच्छे फॉर्म से वॉश कराएं, और जब भी गाड़ी धुलवाएं अगर टेफ्लॉन या सेरेमिक कोटिंग नहीं कराता है कोई या किसी का नहीं है ऐसा, वो तो बॉडी पॉलिश करानी चाहिए, कांच को थोड़ा सा चढ़ा के रखना चाहिए, गाड़ी को कवरिंग करके रखना चाहिए, या व्हीकल के हिसाब से है। जैसे स्मॉल है नॉर्मल वॉशिंग का, स्मॉल है 350 से स्टार्ट है, जो सडान है 400 है, और जो एसयूवी है जो उसका 500 है। अलग है रबिंग का, अलग है वो काम के हिसाब से सर। हरीश, क्या मैं 5 साल से यहीं पर ही लेकर आ रहा हूँ, और सर्विसेज मतलब जो बोलते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, मुझे यहीं मिली है। एंड आउट अपना कार क्लीनिंग वाला जो है उसके लिए लेकर आता हूँ, कार की लॉन्जिविटी बढ़ी है, सेटिस्फेक्शन, मैं तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कस्टमर हूँ। हमें एज ए फर्स्ट कस्टमरों में से ही जब ये लॉन्च हुई थी,